वेलकम बैक टू माय चैनल तस्सीम ब्लॉग। आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? हम लोग सब अच्छे हैं। और बोले नवरात्रि आप लोग कैसे किए? कल पूजा पाठ धूमधाम से हुआ सबके घर में। नवरात्रि 10 दिन का है, सब धूमधाम से मनाइए आप लोग, और हम भी मना रहे हैं। आज 2 दिन बीत गया, समय ही पता नहीं चल रहा है कैसे बीत गया है। और थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इसीलिए ब्लॉग नहीं बन पा रहा है हमेशा, और कुछ शूट भी नहीं कर पा रहा है। सर्दी खांसी एकदम इतना बुरा हाल है कि देख रहे पूरा गला बैठा हुआ है सर्दी से, एकदम सर इतना फट तरह से, इसीलिए कुछ सूट नहीं कर पाते। ये सब बात है, इसीलिए लेट से बिटिया बाल सब देख रही अब तने बाल भी दो, इसलिए पूरा सर्दी हो रही, पूरा गला एकदम बैठा हुआ है, क्या कर समझ में नहीं आ रहा। दवाई ले रहे फिर भी असर, दवाई पी रहे, पानी पी रहे तो सर्दी हो रहा है, गर्म पानी पी रहे तो ठीक लग रहा है, खांसी हो रहा है, सब ऐसे परेशान है। सर्दी का बहुत बुरा है, फिर भी देखिए क्या करें। आप लोग के लिए हंसना पड़ता है हमेशा वीडियो में, केकरों के वीडियो बनाना अच्छा बात है नहीं, इसीलिए हंस के वीडियो को ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। अच्छा लगता करता है कि, और हमको लगता है कि वीडियो देखे थोड़ा ये हो जाए, तबीयत खराब रहता है उतना ये नहीं लगता करता ऐसा नहीं, इसीलिए आप लोग हंस के बात करते हैं अच्छा लगता है। इतना रात को वीडियो शूट करें, बाबू लोग खाना वाना खा के सो गया, दिन वो टाइम नहीं मिल पाता है, और सर्दी खांसी इतना होता है परेशान हो जाते हैं, तो और कर भी नहीं पाते। टाइम मिला तो मुझे ब्लॉग शूट कर लें, और बाबू लोग सब सो गया, बहुत ज़्यादा ही रात हो गई, आज रात को ही ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और आप लोग अच्छा लग रहा ब्लॉग में, अच्छा लग रहा है, ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, ढेर सारा लाइक्स कर रहे हैं, ढेर सारा फैमिली बढ़ रही है, अच्छा लग कर रहा है। और आगे आगे बढ़ देखते जी क्या क्या नवरात्रि, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है नवरात्रि महापर्व। जहाँ भी जाएंगे पूरा दुकान पूरा मार्केट फूल से सजा हुआ, इतना सुंदर देखने में लगता है कि क्या बोलूँ। और ऐसे तो हम नवरात्रि नहीं करते हैं, लेकिन फिर पूजा पाठ जो होता है डेली तो करते ही हैं माता रानी का, और हम नहीं कर पाते। मेरे यहाँ सब कोई होता करते हैं, परिवार में सब कोई करते हैं, हम नहीं करते, हमसे नहीं हो कर पाता है। तो पूजा तो करना ही है, डेली पूजा करते हैं। और देखिए माता रानी की इतना अच्छा कृपा, हमेशा इसमें अरुण का फूल खिल रहा है, डेली खुल रहा है, पिछले साल एकदम नहीं खिलता करता था, और आवाज़ धीरे आ रही थी, इसके लिए आप लोग बस इग्नोर करें, क्योंकि रात को आवाज़ निकल भी नहीं, गला पूरा बैठा बैठा लग रहा है, तो कोई बात नहीं है। तो अच्छा लग रहा है, हमेशा फूल खिल जाता है, हमेशा उनका बहुत मन रहता है कम से कम नवरात्रि में डेली फूल खिले, तो डेली माता रानी चढ़ाता कि माता सब पर कृपा बनाए रहे, मेरे पर आप लोग पूरा फैमिली पर, आप लोग भी फैमिली उन सब पर कृपा बनाए रहे। और अच्छा लगता है पूजा के टाइम फूल उल चढ़ना, बहुत हमको बहुत मन करता है कि डेली, लेकिन क्या करें उतना है ही नहीं तो हो नहीं पाता है, लेकिन सोचते हैं कि डेली फूल से पूजा कर सजा करके मंदिर अच्छा लगता करता, लेकिन नहीं हो कर पाता, क्या करना चाहिए, जैसे हो रहा वैसे ही मन खुश कर लेते हैं, लेकिन अभी देखिए हो रहा है तो कर रहे हैं। और अच्छा लगता करते हैं पूजा पाठ में धूमधाम से सुबह शाम, थोड़ा सा धूप उप जलता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ अगरबत्ती का सेंट अगर दुकान जाते हैं तो बोलते ही हैं कुछ सेंटर, हमको बहुत अच्छा लगता है कि पूजा करें बस सेंटर अगरबत्ती जलेगा धूप धूमन चलते रहे, तो सुबह पूजा जो के शाम को धूप उप जला देते हैं, तो उसका सेंट हमको बहुत अच्छा लगता है, घर पूरा एकदम लगता है कि पूजा पूजा ऐसा लगता करता है कि चलिए दुर्गा नवरात्रि शुरू हो गई, तो ये सब बात है। और अष्टमी फास्टिंग रहते करते हैं, और तुम नहीं करते हैं अष्टमी, तो सब जो करने लगा अच्छा मन रहता है तो कर ही लेते हैं, जब ज़्यादा तबियत दौड़ते तो नहीं करते हैं, तो अष्टमी तो करना ही है, तो अष्टमी को दिखाएंगे हम लोग कैसे पूजा करते नहीं कर पाते। और अभी ज़्यादा तबियत थोड़ा डाउन है चलते उतना अच्छा से नहीं हो कर पा, लेकिन फिर भी जितना हो पाता है कर लेते हैं पूजा को। और हम तो ऐसे भी सुबह सुबह सब दिन पूजा करते हैं, नवरात्रि रहे चना रहे सब दिन सुबह ही अपने बाबू स्कूल चल नाश्ता उस्ता करके सर नहा धोआ करके सारा काम करके पूजा जो कर लेते हैं, क्या कि चाहे वो नाश्ता वास्ता करने में अच्छा रहता करता है, तो यही सब बात कोई बात है नहीं। और देखते हैं पूजा कहाँ घूम पाते हैं नहीं घूम पाते हैं, और है कि पूजा तो 2-3 दिन और इनका नाइट शिफ्ट ड्यूटी भी है, देखते हैं क्या करते हैं नहीं करते हैं, जितना होते बोले कि नहीं वो तो जल्दी जाएंगे जल्दी घूम करके आ जाएंगे, क्या करने में अच्छे लोग, और साल भर का पर्व अच्छा लगता है घूमने करने में, तो चलिए आप लोग नवरात्रि एंजॉय करिए और अच्छे से पूजा पढ़ने में पूजा लगातार है, फिर करवा चौथ आने वाला है वो भी धूमधाम से मनाएंगे करेंगे, सब पूजा पाठ लगातार है तो अच्छा लगता करता है, कोई बात नहीं। तो
ये ब्यूटी चलेंगे नाइट से ब्यूटी, बच्चे लोग सो गए हैं तो हम थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना रहे थे, उसके ब्लॉग भी शूट करिए, वन शूट हो जाता है और नहीं हो कर दिन को, और दिन को तो तबीयत ज़्यादा डाउन भी था, दो तीन दिन से है भी उतना ज़्यादा कि नहीं कर पाते थे पूरा गला, तो दवाई डेली कंटिन्यू ले रहे हैं, बुखार का, सर्दी का, खांसी का, सर दर्द का दवाई नहीं ले रहे हैं, लेकिन चेक करा था तो बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी का दवाई ले रहे हैं, तो सुस कंट्रोल है, कितना दवाई खाए पता नहीं, बीपी हम लोग उतना बढ़ कर जाता है, समझ में आता कर हमेशा उस टाइम में भी छठ पूजा टाइम पिछले साल में पूरा बीपी बढ़ा हुआ था, और पता नहीं पर होता है परेशानी क्या हम सब बताना कर क्यों बोल बीपी बढ़ता है मेरा पता नहीं, और थोड़ा सा चिंता तो होता ही है बच्चों से को लेकर के क्या करें, तो ठीक है कोई बात नहीं है, दवाई खा लेंगे सब चीज़ ठीक हो जाएगा, उतना घबराने की कोई बात है नहीं, अपन ज़्यादा सोचने कोई बात ये बोलते हैं हमेशा, उतना परेशान होने कोई जरूरत हम है साथ हमेशा, जितना हो पाता है करते हैं, तो इसीलिए पता नहीं फिर भी उनको टेंशन हो जाता है, पता नहीं क्या चीज़ को होता ही है घर परिवार है बच्चा सब है तो ये, लेकिन हमेशा बोलते हैं तो कोई टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं, जितना उतना हम करेंगे जितना हो पाते करते ही हैं, तो मैं तो परेशान मत हुआ कर, फिर भी पता नहीं कभी कोई डर के हो जाता, और जिस दिन आँख में आंसू अगर आ गया तो उस दिन सोच ली कि मेरा तबीयत तो खराब होना ही होता है, दो दिन पहले को बात थोड़ा शुरू हो गया था, कभी कभी अखड़ता है बहुत कुछ, कुछ कुछ काम सोचा हुआ नहीं होता करता, थोड़ा सा आँख से आंसू गिर ही जाता है, बात करते कहीं निकल जाता तो आज जहाँ आँख से आंसू गिर गया मेरे को तो मेरा तबीयत खराब होना ही, सर तो इतना पकड़ लेता है कि क्या ही बोलूँ, तो कितना सोचते हैं बहुत ऐसे भी समझ रहा नहीं उदास रहते करते हंसते खेलते सही पार कर, लेकिन कभी कभी होता है कोई कोई बात याद आ जाता है, कुछ चीज़ आप सोचते हो नहीं कर पाते हो तो ऐसा होता ही है कि कुछ लायक है हम कोई बच्चे लोग कुछ नहीं कर पा रहे, बच्चे लोग थोड़ा सा दिक्कत हो ही रहा है क्या कहें, कुछ कुछ बात को लिख के थोड़ा सा गंभीर हो जाते थे तो सर दर्द पकड़ लेते तबीयत खराब होना ही है, और ये समझ जाते हैं आज वो ही है इसे इसका तबीयत खराब है और कोई बात नहीं है, तो ठीक है ये सब होते रहता है, यही सब कारण था कोई बात नहीं है, तो ठीक है ब्लॉग आप लोग बने रही, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और गुड नाइट, कल मिलते नए वीडियो ब्लॉग साथ, ओके बाय, आई लव यू, टेक केयर।